की तपस्या का फल देना ही होगा। भोलेनाथ, मेरी मनोकामना पूर्ण करनी होगी। तुम्हारे चरणों में प्राणों की आहुति दे रही हूं भोलेनाथ। आंखें खोलो। भगवान भोलेनाथ, मैं तुम पर प्रसन्न हूं अंजनी। मनोकामना पूर्ण कीजिए भोलेनाथ, पूर्ण कीजिए। स्त्रियां मुझे पांचन कहती है, शुभ कामों के अवसर पर मेरा अपमान होता है, प्रातः काल मेरा मुंह देखना पाप समझा जाता है, पाप समझा जाता है। धीरज रखो अंजनी, तुम ऐसे तेजस्वी पुत्र की माता बनने का गौरव प्राप्त करोगी जिसकी अनंत काल तक पूजा होगी। दया सागर, मैं आपके समान तेजस्वी पुत्र चाहती हूं। तथास्तु, मेरा अंश ग्यारहवां रुद्र तुम्हारी कोख से जन्म लेगा। पवन देव तुम्हें प्रसाद देंगे, तुम्हारा पुत्र पवन पुत्र के नाम से प्रसिद्ध होगा। भोलेनाथ,